गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ टिकड़े। तो किस किसने खाए हैं बताना। और गर्मियों में खाए जाते हैं, ये आटे से बनते हैं ये। और जो मैंने आटा पहले लगा के तैयार रख रखा है, तो मैंने आटे में थोड़ा सा बेसन डाला है और स्वाद के अनुसार नमक डाला है, और इसमें कुछ नहीं डलता। और टाइट आटा गूंद के और गोल गोल रोटियां बनाई जाती हैं, मोटी मोटी, तो वो टिकड़े होते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने वो तैयार करके रखे हुए हैं, तो अभी दिखाती हूँ मैं कैसे हैं। ये बनाए मैंने टिकड़े, ये मोटे मोटे होते हैं, और ये आग में सेकूँगी, गोश्त से जलाऊँगी। अभी ये तैयार रखे हैं यहाँ, तो अभी आग लगाऊँगी और फिर उसके बाद इनको इसमें सेकूंगी। टिकड़े पहले नहीं खाए, कभी नहीं खाए, आज खा जाओ जी। क्या डाला आपने? आटा है, बेसन है, कुछ दो ना ये तोड़ने के लिए। सारे और गुस्से में हो गए, हट दे छोड़ दे बेटा, हट जा, लग जाएगी। यो ए मुड़ क्या आपका गुस्से हैं क्या है? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... इनको ना कौन सा हो जाएगा वो भी, अब थोड़ा थोड़ा इनको ना मैं सेक लूंगी आग में ही, फिर उसके बाद जब आग थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसके बाद इनको आग के अंदर दबा दूंगी। रुक जाओ, इतने क्यों? तो अभी मैंने इनको अभी थोड़े आधे सेके हैं ये, अब मैं इनको आग के अंदर दबाऊंगी, आग थोड़ी ठंडी हो जाए क्योंकि बहुत तेज आग है। अभी डालूंगे तो ये बाहर से ज़्यादा जल जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे। तो अभी मैंने बार बार से सेके हैं, आज आग ही ठंडी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसमें कोयले भी डाल दिए थे मैंने, मैंने कहा ज़्यादा देर तक जलती रहे ताकि आज आग ही नहीं बुझ रही। पिछली बार क्या हुआ, लास्ट ईयर बनाए थे मैंने, तो दो बार मेरे को आग जलानी पड़ी, तब मेरे टिकड़े सिके थे। तो मैंने सोचा कभी आज भी वही हाल हो जाए, तो मैंने कहा अंगारे वो कोयले भी डाल दो, गोसे भी लगा लो। तो फिर मैंने दोनों चीज़ें डाल दी, पर अभी आग बहुत देर में ठंडी होगी।
गाइस मेरे टिकड़े बन के हो गए हैं रेडी, और अब दूध और अब प्याज काटूंगी और देसी घी लगा के तब इंजॉय करेंगे हम टिकड़े। तो हेलो गाइस, टिकड़े मेरे बन के रेडी हो गए हैं और अब इंजॉय करेंगे। कच्चे दूध के साथ भी अच्छे लगते हैं और राबड़ी के साथ भी, और प्याज और टिकड़ा। तो आप भी जरूर ट्राई करना, अगर हमारी ये टिकड़े की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।